दोस्तों, हम लोग जो है वो अलग अलग तरीके से बहुत सारी मैगी बनाते हैं, बट अगर आप इस तरीके से एक बार मैगी को ट्राई करेंगे ना, आपको बहुत पसंद आएगी। ढेर सारी सब्जियां पड़ी हैं, अब खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देर ना करते हुए चलिए किचन में बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास में बने घंटे पर भी दबा दें और उसके बाद में ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैगी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में जो है वो 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, साथ में एक मैंने यहाँ पर जो है वो कटा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को आपको जो है वो सब्जी की तरह बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनना है, और जो है वो अगर आप ज़्यादा भून लेंगे तो मैगी में वो बहुत बढ़िया नहीं लगेगा। तो इस तरीके से प्याज को जो है वो आप बहुत ज़्यादा छोटा भी ना काटें और ना ही बड़ा, इस तरीके से प्याज को आपको जो है वो भून लेना है। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑप्शनल है, मैं थोड़ा सा जो है वो लहसुन डाल रहा हूँ और थोड़ी सी अदरक। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर फाइन जो है वो काट के डाल दिया, टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। साथ में ये जो है मैं यहाँ पर एक शिमला मिर्च डाल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो येलो या फिर रेड बेल पेपर भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पर हरी वाली शिमला मिर्च थी तो मैंने भी उसे जो है यहाँ पर बड़ा बड़ा काट के डाल दिया है। शिमला मिर्च हो या प्याज हो, इसे आपको बहुत ज़्यादा मैगी में नहीं भूनना है, अगर आप ज़्यादा भूनेंगे तो उसका स्वाद जो है वो उतना बढ़िया नहीं आ पाएगा। इसके बाद में क्या करना है कि हम जो है वो इसे भूनेंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है दोस्तों डालेंगे हरी मटर। मैं यहाँ पर फ्रेश हरी मटर डाल रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रोजन जो है वो मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरीके से हम लोग जब भी घर पे जो है मैगी बनाते हैं तो आप अपने मन की जो है सब्जियाँ डालिए, जो आपको सब्जी पसंद है आप ढेर सारी सब्जियाँ डालिए, आपको मैगी में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसके बाद में दोस्तों, मैं यहाँ पर 2 जो है वो कटी हुई हरी मिर्च डाल रहा हूँ। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटी खानी है तो आप 2 या 3 जो है यहाँ पर हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में इन सारी सब्जियों को आपको जो है वो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से एक बार भून लेना है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर थोड़े से मसाले डालेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैगी मसाला ऑलरेडी पड़ेगा तो आपको ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। साथ में ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पाउडर और 2 पिंच जो है वो गरम मसाला डाल दिया है, दैट्स इट। बाकी यहाँ पर डालेंगे हम लोग थोड़ा सा जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से एक बार भून लेंगे। अच्छा, हमारे मसाले जले ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और इस तरीके से आप कभी भी मैगी बनाइए, फटाफट बन जाती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी डाल रहा हूँ ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छी तरीके से आपस में बन जाएँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पानी को उन्होंने बॉईल किया और उसमें डायरेक्ट मैगी डाल दी और जो है वो मैगी मसाला डाल दिया, बट वो मैगी जो है कोई मैगी नहीं है। अगर आप इस तरीके से सब्जियां डाल के बनाएंगे ना, तभी आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी। साथ में ही दोस्तों, मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर ले लिए थे, उन्हें फाइन चॉप कर लिया है, और इस तरीके से डाल के आपको टमाटर को अच्छी तरीके से यहाँ पर पकाना है। प्याज को जैसे नहीं पकाना था, बट यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरीके से आपको गला देना है। और इस तरीके से कभी भी आप मैगी बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, जो भी 2-3 मिनट आपको सब्जियाँ भूनने में और 5 मिनट जो है वो मैगी डाल के उसे पकाने में, मतलब 10 मिनट के अंदर आपकी मैगी बन जाएगी और आप आराम से इसे जो है वो खा के निकल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया ताकि हमारी सब्जियाँ जो है वो फटाफट थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। इसके बाद में हम लोग जो है वो पानी डालेंगे। मैंने लगभग यहाँ पर 1.5 कप पानी डाल दिया है। मैं 2 मैगी के पैकेट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 2 मैगी के पैकेट के लिए 1.5 कप पानी इनफ रहेगा। इतने में आराम से हमारी मैगी जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आपको थोड़ी सी रनी मैगी खानी है तो आप थोड़ा सा पानी जो है वो यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो है ना ही मेरी रनी होगी मैगी और ना ही जो है वो बिल्कुल ड्राई। तो इस तरीके से 1.5 कप पानी में मैगी बन करके तैयार हो जाएगी। एक बार पानी को अच्छी तरीके से जो है वो बॉयल होने दीजिए, उसके बाद में मैगी के मैंने 2 पैकेट लिए हैं, उन्हें बीच से तोड़ के यहाँ पर डाल दिया है। मैगी को इस तरीके से तोड़ मैंने इसलिए दिया है ताकि हम लोग जब भी स्पैचुला वगैरह चलाएँ, चम्मच से चलाएँ, तो ये आसानी से जो है वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। और इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल दिया है ताकि जो मैगी ऊपर वाला सरफेस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद में हम लोग जो मैगी के पैकेट के अंदर मैगी मसाला निकलता है वो 2 पैकेट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैगी मसाला का टेस्ट चाहिए ना, तो आप क्या करिए कि अलग से जो 5 रुपये का वाला पैकेट आता है उसे यहाँ पर डाल दीजिए, बट मुझे लग रहा है कि 2 मैगी के पैकेट के अंदर जो मसाला निकलता है वो इनफ रहेगा। और बस इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको लग रहा है यहाँ पर पानी कम है, पानी बिल्कुल भी कम नहीं है। जब आप ढक्कन लगा के इसे पकाएंगे ना, तो ये बहुत जल्दी फटाफट पक जाएगी।
एक मैंने पहले डाल दिया था मसाला का पैकेट और एक मैंने जो है थोड़ी देर बाद डाल दिया है। अगर आप चाहें तो क्या करिए कि मैगी का एक पैकेट जो है वो मसाले का पहले डाल दीजिए, एक बनने के बाद में डालिए, तो भी जो है इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आता है। अब इस तरीके से क्या करना है कि मैगी को यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसके बाद में हम लोग जो है इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और इसे छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ही हमारी मैगी एकदम बढ़िया तरीके से जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। 5 मिनट से ज़्यादा आपको इसे कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट बाद आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कच्ची है या कुछ कसर है तो आप थोड़ा सा और इसे पका लीजिए। देखिए 5 मिनट हुए हैं और थोड़ा सा पानी बचा है, इसे भी हम लोग जो है थोड़ा हल्का सा सूख जाने देंगे। अगर आप चाहें तो यहीं पर ही गैस को जो है वो ऑफ़ कर दीजिए और आपको अगर रनी मैगी चाहिए तो आपकी मैगी बिल्कुल बन करके तैयार है। बट मुझे थोड़ी सी ड्राई पसंद है इसलिए मैं उसे 1-2 मिनट जो है वो और यहाँ पर कुक कर लूँगा। देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है और इस तरीके से आप जब भी ट्राई करिए आपको बहुत पसंद आएगी। और बस हमारी मैगी यहाँ पर बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके बाद में कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा सा इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और बस हमारी मैगी एकदम लाजवाब बनी है। इस तरीके से आप अगर 2 पैकेट खा लेंगे तो शायद आपको लंच करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और बस दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।